हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने नायका से क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो बाय किए हैं करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ आने वाली है और हम गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का टाइम होता है, क्योंकि करवा चौथ जो होता है वो साल में एक बार आता है। तो हम लोग सारी शॉपिंग जो है वो इस टाइम पर करते हैं। तो मैंने भी कुछ मेकअप प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट बाय किए हैं। तो वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं वो इस तरह से दो बॉक्सेस में प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इस बार परचेज किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने परचेज किए हैं वो है लिपस्टिक्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी जो प्रोडक्ट मैंने रीपरचेज किया है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है फ्रॉम मामा अर्थ की तरफ से, एंड दिस इज़ मामा अर्थ टी ट्री फेस वॉश विद टी ट्री एंड नीम फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं वो ममाअर्थ के प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये जो फेस वॉश है इसको मैंने रीस्टॉक किया है, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ फॉर वन मंथ के लिए मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, और ये एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश मैं इसको कहूँगी। क्योंकि लास्ट मंथ जब मानसून चल रही थी, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग, इसकी वजह से मुझे पिम्पल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस टाइम मैंने इस फेस वॉश को यूज़ किया था। बट मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि ये मेरा सेकंड बाय है, तो आप सोच सकते हो कि ये मेरे लिए किस तरह से काम किया है। ये क्या करता है, आपके जो पिंपल्स हैं उनको और आगे बढ़ने नहीं देता है, आपके पिंपल्स को ये वहीं पे रोक देगा एक तरह से, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बैक्टीरिया को स्प्रेड नहीं होने देगा आपकी स्किन में, और काफ़ी अच्छे से काम करता है। और मेरे एक्ने के लिए ये बहुत अच्छा फेस वॉश मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसको रीस्टॉक किया है, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। नाउ द सेकंड प्रोडक्ट इज दिस मिस क्लियर आईलैश ग्लू। जो मैं पहले वाला आईलैश ग्लू यूज़ करती थी वो भी मिस क्लियर की तरफ से था, वो वाटरप्रूफ ग्लू था, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसकी मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी कि वो एकदम से ड्राई हो जाता था, एकदम से नहीं, मतलब कि जैसे ही आप उसको लैश लाइन पे अप्लाई करके आई लैश को अप्लाई करते हो तो वो उसी टाइम स्टिक हो जाता था। मैंने उनकी अनदर रेंज से जो है वो आई लैश ग्लू परचेज किया है। दिस इज मिस क्लियर आई लैश ग्लू डार्क टोन। तो आई थिंक ये ब्लैक कलर में ही होगा, ओपन कर लेते हैं। और इसका जो प्राइस है 295 रुपीज़ इसका प्राइस है। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था मिस क्लेयर का, बट शिफ्टिंग वगैरह में पता नहीं उसकी कैप जो है वो कहाँ गिर गई और वो पूरी तरह से ड्राई हो गया, तो इसलिए मुझे नया वाला परचेज करना पड़ा। ओके, खुल गया है ये, और ये इस तरह से है, इसके साथ एक बॉन्ड मिल रहा है आपको। ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम फेसिस कैनेडा अल्टाइम प्रो मैट प्ले आईलाइनर ब्लैक। सो मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी आईलाइनर, मुझे आईलाइनर चाहिए था, क्योंकि मैंने एक बाय किया था मैबेलिन का, तो वो भी कुछ खास नहीं था, उसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल बेकार लगी मुझे। तो मैं सर्च कर रही थी कोई अच्छा सा आईलाइनर, तो मैंने बाय किया है ये वाला आईलाइनर। इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, 649 रुपीज़ का है ये। तो सबसे पहले ये वाला आईलाइनर जो है ये मैंने बाय किया था अपनी भाभी के लिए। मैंने स्टोर पे जाकर प्रॉपर इसका स्वॉच करके अच्छे से देख के इसको परचेज किया है। नायका स्टोर में मैंने एक ये वाला आईलाइनर और एक मिलानी का आईलाइनर, ये दो आईलाइनर देखे थे। मिलानी वाला तो जो आईलाइनर था वो उसकी रेंज काफ़ी हाई थी, 1100-1200 रुपीज़ का, और आईलाइनर जो है वो उतना ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, कभी कभार लगा लेती हूँ, तो मुझे कुछ मिड रेंज में चाहिए
रही था आईलाइनर एंड दिस इज द बेस्ट आईलाइनर। ये मैट लुक में है प्रॉपर और पैकेजिंग भी प्रॉपर मैट लुक में दी हुई है। ये आई थिंक वाटर प्रूफ नहीं है ये आईलाइनर, ये सिर्फ मैट लुक में है बट स्मज प्रूफ है। आप इसको ड्राई होने के बाद अगर स्मज करते हो तो ये स्मज नहीं होगा। दिखा देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। तो काफी अच्छा लाइनर लगा मुझे, इसी तरह का लाइनर चाहिए था जो कि वाटरप्रूफ भी ना हो और स्मज प्रूफ हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है फ्रॉम स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। मेरा इसमें शेड नंबर है वॉर्म सैंड और साइड पे ये जो कलर है वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा था ऑरेंज, और इसलिए मैंने इसको परचेज किया। मैंने सोचा ठीक होगा कलर, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग लगा मुझे, बट जब ये मुझे रिसीव हुआ तो ये आप देखिए एक बार, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैंने मतलब कि फर्स्ट टाइम स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया और उसका शेड नंबर जो मैंने उठाया है वो आपके सामने है। बट इस शेड को आप एज अ कलर करेक्टर यूज कर सकते हो, क्योंकि जो ऑरेंज कलर होता है वो हमारे डार्क सर्कल के लिए हाइड करने के लिए या फिर आपको पिगमेंटेशन वगैरह हो रखी है उसको हाइड करने के लिए काफी अच्छा होता है। जो प्रोडक्ट है वो है मेरा फर्स्ट एवर प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर, तो मैंने इस बार शुगर का कुछ ट्राई किया है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि इसका जो फर्स्ट शेड था जिसमें कि लाइट कलर का हाइलाइटर था वो सोल्ड आउट हो गया था, तो मेरे पास ऑप्शन था सेकंड कलर का, तो मैंने बाय किया ये सेकंड। इसका शेड नंबर दैट इज 02 विविड विक्ट्री कॉन्टोर एंड फेस पैलेट फ्रॉम शुगर। तो ये है पैलेट शेड नंबर 2। तो इसका जो ब्लश है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं आपको यहाँ पे स्वच्छ करके दिखाती हूँ। और हाइलाइटर भी काफी अच्छा है बट मेरी स्किन के लिए थोड़ा सा ये डार्क है। नेक्स्ट जो शेड है इसकी कॉन्टोर शेड, और इसके साथ आपको यहाँ पे छोटू सा मिरर मिल रहा है और काफी कॉम्पैक्ट है तो ट्रेवल फ्रेंडली है। इजिली आपको तीन शेड्स जो हैं जिसमें आपको कॉन्टोर मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है और साथ में ब्लश ऑन मिल रहा है, तीन चीजें एक साथ मिल रही है, तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो काफी ज्यादा अच्छी पैलेट है। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है ये मस्कारा। दिस इज फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल मस्कारा, और इस टाइम मैंने परचेज किया है वाटरप्रूफ। जो मैं पहले वाला मस्कारा यूज करती हूँ मेबलिन का, ये भी काफी अच्छा है, मेबलिन न्यूयॉर्क द फॉल्स इज पुशअप ड्रामा ये वाला। तो मैं स्टोर में गई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि जो कि आपका बेस्ट सेलर है या तो बेस्ट मस्कारा है वो बताओ, तो उन्होंने ये वाला सजेस्ट किया था, बट मैंने उनको बोला कि ये वाला तो मेरे पास है तो मुझे कोई और बताइए। तो उसके बाद जो ये वाला मस्कारा था उन्होंने ये वाला दिखाया, बट मैंने स्टोर से इसको परचेज नहीं किया, मैंने बाद में इसको नायका पे ऑर्डर किया। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सारे के सारे लिपस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पे इस बॉक्स में हैं, और यहाँ पे मेरे झुमकीज भी पड़ी हुई हैं जो कि मैं शूट कर रही थी और मैंने इसमें डाल दिए थे। और मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो फ्री भी मिला है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट फ्री मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको लिप शेड बता देती हूँ जो कि मैंने परचेज किया है करवा चौथ के लिए। ये जो है ये न्यू अराइवल है लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक्स में है, ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ ये वाली लिपस्टिक। इसकी पैकेजिंग आप देखो यार कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है और बिल्कुल देखने में बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रही है पैकेजिंग इसकी। लिटिल बिट प्राइसी भी है ये लिपस्टिक, इसका प्राइस है 800 रुपीज, बट ये मुझे 600 समथिंग की पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये लिपस्टिक यूज करने में कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी स्टेइंग पावर कैसी है। तो मैं इससे पहले भी ये वाली लिपस्टिक जो है वो यूज कर चुकी हूँ, सेम लिपस्टिक जब ये लॉन्च हुई थी तो मैंने इसको गिफ्ट किया था अपनी दी को, मेरी कजन सिस हैं उनको मैंने गिफ्ट की थी ये वाली लिपस्टिक। तो गिफ्ट करने के बाद मैंने भी उस लिपस्टिक को कम से कम 4 से 5 बार यूज किया, और इसका टेक्सचर वाओ,
अमेजिंग। अगर आप कोई लिपस्टिक यूज करना चाहते हैं करवा चौथ के लिए या किसी और पर्पस के लिए, जब आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये इतनी ज़्यादा लाइट वेटेड है, इतनी ज़्यादा लाइट वेटेड है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई लिपस्टिक अप्लाई किया है अपने लिप्स के ऊपर। शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने जो शेड नंबर लिया है वो है 101 बॉम शेल रेड। तो मैंने रेड फैमिली से ये लिपस्टिक कलर जो है वो परचेज किया है। इसमें आपको आई थिंक ऑरेंज फैमिली और पिंक फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा कलर मिल जाएंगे। लुक एट द कलर, कितना ब्यूटीफुल कलर है ये ट्रांसफर होगी अगर आप इसको अपने लिप पे अप्लाई करोगे, बट ये उतने ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होती है। ईजिली मैं बोलूँगी 4 से 5 घंटे तक ये ईजिली चलती है, आपकी लिप्स पे पूरा दिन टिकी रहेगी अंटिल आप कुछ खा नहीं रहे हो। आप कुछ बॉयल ही खाते हो तब तो ये अंदर अंदर से थोड़ी थोड़ी चली जाती है, बट अगर आप कुछ हल्का फुल्का खा रहे हो, स्नैक्स वगैरह, ट्रस्ट मी ये कहीं नहीं जाएगी। और यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्रांसफ़र हो रही है, बट जब आप इसकी एक लेयर, सिंपल सी लेयर अपने लिप्स पे अप्लाई करते हो तो थोड़ी देर के बाद जब ये ड्राई हो जाती है तो बिल्कुल हल्की सी ट्रांसफ़र होती है। हाँ, हल्की सी ट्रांसफ़र होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होती है और बहुत ही प्यारी लिप शेड है। नेक्स्ट जो दो शेड्स हैं वो है ये दो शेड्स, और ये मैंने परचेज किए हैं फ्रॉम लॉरियल पेरिस, और ये है उनकी सिग्नेचर लिपस्टिक्स की रेंज में से, और इस लिपस्टिक का प्राइस है 650 rupees। तो ये इसका MRP प्राइस है और ये मुझे इसी के इसके MRP प्राइस पे ही मैंने इसको परचेज किया है। तो मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक परचेज की थी और इसके साथ मुझे फ्री मिला है एक मस्कारा, ये है वॉल्यूम मिलियन लैशेज एक्स्ट्रा ब्लैक मस्कारा। तो इस मस्कारे को भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैंने परचेज किया था जब मेरी शादी होने से पहले जो मैंने अपने लिए मेकअप किट ली थी उस टाइम मैंने इस मस्कारे को परचेज किया था। और ये है फर्स्ट शेड, शेड नंबर आई एक्सप्लोर, शेड नंबर है इसका 116। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है, अगर आपको न्यूड शेड बहुत अच्छे लगते हैं तो आपके लिए ये लिपस्टिक बहुत अच्छे काम करने वाली है। सेकेंड शेड है, सेकेंड शेड 105 शेड नंबर है एंड शेड नेम इज आई रूल, और ये थोड़ा पिंकिश टोन में, मॉविश टोन में मुझे लिप कलर जो है वो लगा। तो ये है इसका, जो नेक्स्ट दो शेड्स हैं, जी हाँ यहाँ पे दो शेड्स और हैं फ्रॉम नायका सो मैट मिनी लिपस्टिक्स। तो ये दो शेड मैंने ली हैं अगेन करवा चौथ के लिए, जो भी मैं सुहागी दूंगी, एक शेड मेरी मम्मी के लिए और एक शेड मेरी बुआ के लिए है। उसको मैं थोड़ा आपको स्वच्छ करके दिखा देती हूँ। सो ये है शेड नंबर 47M बेयर मिनिमम, और जो सेकेंड शेड है इसी में, इसी रेंज में, वो है 03M डेवियस पिंक। सो इसी के साथ जो मेरी वीडियो है वो भी एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरा लास्ट प्रोडक्ट था। तो आपको इनमें से मेरी कौन सी स्टिक शेड जो है वो सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।